हेलो गाइस, मैं अंकित एंड वेलकम बैक टू द एस्टर न्यूज सीरीज, जिसमें आपको देता हूँ हॉलीवुड और सुपर मूवीज और सुपर टीवी सीरीज से रिलेटेड सारी न्यूज। तो आज भी मैं आपके लिए मार्वल, डीसी और कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई ऑसम न्यूज लेकर आया हूँ। तो देखते हैं कि आज की हेडलाइंस कैसी है। तो अभी हाल ही में मार्क रफेलो ने एमसीयू में अपनी अपकमिंग मूवी को लेकर कुछ अपडेट दी है। डीसी की आने वाली 2 अपकमिंग मूवी जैसे की एक्वामैन और द फ्लैश मूवी को लेकर कुछ बहुत बड़ी अपडेट आई है। इसके अलावा क्रिस हेम्सवर्थ ने भी थॉर लव एंड थंडर मूवी को लेकर कुछ अपडेट दी है। यही नहीं कि डीसी यूनिवर्स में ब्लैक सुपरमैन दिख सकता है, और इस ब्लैक सुपरमैन का रोल को कौन प्ले कर सकता है ये जानने के लिए इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। वैसे इसके अलावा भी आपको और कई न्यूज इस एपिसोड में देखने को मिलेंगी, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली न्यूज है एमसीयू में मार्क रफेलो की अपकमिंग मूवी को लेकर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मार्क रफेलो और केविन फाइगे की बहुत ही जल्दी मीटिंग होने वाली है, जिसमें वो हल्के फ्यूचर को लेकर बात करेंगे। अब ये मीटिंग हुई है नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर इसको लेकर मार्क रफेलो ने कुछ बहुत बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने बताया कि केविन फाइगे ने पिछले वीक उनसे पूछा था कि अगर आपके पास एमसीयू में हल्के फ्यूचर को लेकर कोई आइडिया या स्टोरी लाइन है तो आप मेरे साथ शेयर करो, अगर कोई आइडिया या स्टोरी लाइन अच्छी होगी तो हम देखेंगे कि आपका एमसीयू में फ्यूचर कैसा हो सकता है। फिलहाल इसके बाद उन्होंने कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये मीटिंग हो चुकी है नहीं, जिसके बाद एक फैन ने उनसे ये पूछा कि हल्क वर्सेस वुल्वरीन की मूवी क्या एमसीयू में पॉसिबल हो सकती है। तो इस पर मार्क रफेलो का ऐसा रिएक्शन था। हल्क वर्सेस वुल्वरीन, तो इस तरह से बोला जा सकता है कि एमसीयू में हल्क का जो स्टोरी आर्क है वो अभी ओवर नहीं हुआ है, इस तरह से हमें हल्क एमसीयू के फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अब आगे इसको लेकर क्या अपडेट आती है मैं आपको यहीं बैठकर सारी अपडेट दूंगा। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब गाइस, अगली न्यूज है डीसी की 2 अपकमिंग मूवीज की शूटिंग को लेकर, जिसमें से एक तो कंफर्म है और दूसरी न्यूज को आप रूमर कह सकते हैं। तो अगर पहले कंफर्म न्यूज की बात की जाए तो एक्वामैन के सीक्वल की शूटिंग अर्ली 2021 में स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद इस मूवी की रिलीज डेट 2022 में फाइनल की गई है। और अब रूमर न्यूज की बात की जाए तो ऐसी रिपोर्ट आई है कि वार्नर ब्रोस की फैंटेसी बीस्ट 3 की शूटिंग ओवर हो जाने के बाद जब एज्रा मिलर फ्री हो जाएंगे तब फ्लैश मूवी की शूटिंग मिड 2021 में स्टार्ट होगी। फिलहाल गाइस, वार्नर ब्रोस ने फ्लैश मूवी को डायरेक्ट करने के लिए इट मूवी के डायरेक्टर एंडी मुस्चेती को हायर करा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में इस बार वार्नर ब्रोस फ्लैश मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है थॉर लव एंड थंडर मूवी की कुछ अपडेट को लेकर। तो एंड गेम में ब्रो थॉर या कहा जाए फैट थॉर के देखने के बाद हम सभी फैन जानना चाहते हैं कि आगे एमसीयू में थॉर की जर्नी आगे कहां जाएगी, पर क्या इसके बारे में क्रिस हेम्सवर्थ को कुछ पता है? इस पर उन्होंने कुछ अपडेट दी है। उन्होंने बोला कि सच बताओ तो मैंने अभी तक थॉर लव एंड थंडर मूवी का स्क्रीन प्ले नहीं देखा है, पर मुझे इतना पता है कि वो इस मूवी पर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपको इस मूवी में कुछ न्यू और फ्रेश देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने थॉर की जर्नी के बारे में ये भी बोला कि एंड गेम में थॉर की जर्नी जिस पॉइंट पर एंड हुई है उसके आगे थॉर की जर्नी के आगे बढ़ने के और भी कई रूम हैं, जिस वजह से हम किसी भी वे में मुड़ सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ के अकॉर्डिंग उन्होंने इस स्टेटमेंट में ये बताने की कोशिश की है कि थॉर लव एंड थंडर से हमें थॉर की न्यू जर्नी देखने को मिल सकती है, पर एज ए थॉर फैन थॉर लव एंड थंडर मूवी में कुछ भी हो, पर हमें इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर चाहिए, हमें फैट थॉर या ब्रो थॉर नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है डीसी यूनिवर्स में ब्लैक सुपरमैन को लेकर। तो अभी कुछ दिनों पहले ही हेनरी केविल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने सुपरमैन का रोल नहीं छोड़ा है और वो बहुत जल्दी सुपरमैन की मूवी कोई लेकर आएंगे, पर इसके बाद वार्नर ब्रोस की तरफ से मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई है कि उन्होंने ब्लैक सुपरमैन को अप्रोच करा था अपने डीसी यूनिवर्स में कास्ट करने के लिए, और ये ब्लैक सुपरमैन प्ले कर सकते थे माइकल बी जॉर्डन, जो एमसीयू में किलमोंगर का रोल प्ले कर चुके हैं। वैरायटी मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डीसी मूवीज के फ्यूचर प्लान को लेकर माइकल बी जॉर्डन ने WB के साथ मीटिंग रखी थी, जिसमें माइकल बी जॉर्डन ने अपने आप को डीसी के न्यू सुपरमैन के तौर पर पिच करा था। वैसे ये मीटिंग इस ईयर की स्टार्टिंग में हुई थी और इस मीटिंग के बाद कुछ फाइनल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वार्नर ब्रोस का अभी बहुत लंबे टाइम तक सुपरमैन मूवी को लेकर कोई भी प्लान नहीं है। तो गाइस, इस तरह से ये थी बहुत ही शॉकिंग न्यूज, पर जिस तरह से वार्नर ब्रोस डीसी यूनिवर्स को हैंडल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। क्या पता अगले दिन हमें सो के उठे और हमें ये पता चले कि बैटमैन की ट्रिलॉजी कैंसिल हो चुकी है और उसके बदले में वार्नर ब्रोस ने बैट वुमैन की ट्रिलॉजी को अनाउंस कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी को भी कैंसिल कर देते हैं, किसी को भी लेकर आ जाते हैं दोबारा, कुछ भी हो सकता है। वैसे यहाँ मैं माइकल बी जॉर्डन को हिट नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, ये वो पहले ही प्रूव कर चुके हैं, पर अगर आपके पास हेनरी केविल जैसा सुपरमैन एक्टर है जो सुपरमैन के रोल में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है
तो उसको आखिर क्यों रिप्लेस करना, वो भी एक एक्टर से जो सुपरमैन के रोल में परफेक्ट नहीं लगेगा। तो ये मैं वार्नर ब्रोस से पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों क्यों रिप्लेस करना, क्यों क्यों, ये सब जानना चाहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब गाइस अगली कुछ न्यूज़ है अदर हॉलीवुड प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से द विंटर इज कमिंग का ट्वीट हुआ है, जो ये टीज कर रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट हो सकती है। सैम मेंडिस की वॉर मूवी 1917 का रिव्यू आउट हो चुके हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट वॉर मूवी होने वाली है। इसके अलावा हाल ही में रिलीज हुए मैंडलोरियन टीवी शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये शो अब स्ट्रेंजर थिंग के कंपैरिजन में मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट डिमांडेड शो बन चुका है। तो गाइस इस तरह से ये थी आज की सभी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज की सभी न्यूज़ पसंद आई होगी। वैसे अगर आप मेरे को पहली बार बोलते हुए सुन रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूरी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसी सुपर हीरो मूवी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।